हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार, इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने ये देखा था कि हम कैसे वेबसाइट्स को लोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, राइट, यूजिंग वेब व्यू स्कैफोल्ड। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपको पता है यार, कुछ लोग का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो होता है अगर आप किसी भी रूरल एरिया में जाते हो। इवन इन द सिटीज ऑफ इंडिया हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है कई बार फ्लक्चुएट करता है, राइट। तो इन दैट केस, जब तक हमारी साइट लोड होती है तब तक कोई ना कोई लोडिंग बार वहां पे आना चाहिए, राइट। एटलीस्ट सामने वाले को ये तो पता हो कि हाँ, कुछ लोड हो रहा है। ओके, सो वो हम चीज कैसे कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे वेब व्यू स्कैफोल्ड यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इजी है। क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे जाके कंट्रोल, अगर आप स्पेस दबाओगे तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगी, इनिशियल चाइल्ड। ठीक है, तो ये इनिशियल चाइल्ड क्या चीज है? ये वो चीज है जो ये बताता है भाई हम लोगों को कि जब तक आपकी वेबसाइट लोड नहीं जाती तब तक आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई पेज ओपन कर सकते हो, या आपको यहाँ पे काइंड ऑफ प्रोग्रेस बार दे सकते हो, मतलब जो भी आपका मन है आप वो दे सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, जो क्या करता है, एक सर्कुलर बार हमारा शो करेगा, एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार हमारा शो करेगा। ठीक है, तो अगेन इसका जो कलर है वो हम दे देते हैं, कंट्रोल स्पेस दबा के देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम देते हैं कलर्स डॉट रेड, क्योंकि ये हमारे मैच करेगा, किससे मैच करेगा, राइट, हमारे बैकग्राउंड से, राइट, जो यूट्यूब का बैकग्राउंड है मेन, रेड एंड वाइट। ओके, तो ये रेड से मैच करेगा। तो अगर मैं इसको ओपन करके कंट्रोल एस करके ओपन करूँ तो यार यहाँ पे देखो, ऊपर यहाँ पे आपको एक रेड कलर का शो रहा होगा, राइट। लेकिन हमें टॉप पे नहीं चाहिए था, हमें यार यहाँ पे चाहिए था मिडिल में, राइट। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा, यहाँ पे आके ऑल्ट एंटर करो और जो हमारा ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है इसको हम सेंटर के अंदर रैप कर देंगे। ओके, तो अगर आप वीएस कोड वगैरह यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली सेंटर टाइप करके उसका एक चाइल्ड बना के उसके अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस बार को डाल सकते हो। ओके, कंट्रोल एस, एंड अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूं, फिर से रन करूं, ठीक है, तो आपने 1 सेकंड के लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्रेस बार आया। ओके, लेट्स ट्राई, आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन आज सही चल रहा है तो इसलिए स्पीड से ओपन हो रहा है। ओके ओके, अगेन आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो एक चीज है। ठीक है, अब सेकंड चीज हमें यार ये वाला नहीं, हमें कोई और इससे भी अगर बेटर हमारे पास में एनिमेशन होता तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कस्टम एनिमेशन, मतलब इससे बेटर लोडिंग बार और हम कहाँ से लेके आ सकते हैं। ओके, लेकिन अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यार इस वाले कोड को हम किसी और फाइल के अंदर डाल देते हैं। ओके, ऐसा क्यों करने वाला हूं मैं, ताकि अगर हमें कोई और चेंज करना हो, इसकी जगह पे हमें कुछ और शो करना हो, ठीक है, कोई और प्रोग्रेस बार शो करना हो, कुछ और कोई पेज शो करना हो, तो सारा कोड हम एक अलग फाइल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो एक नई फाइल कैसे बनाते हैं, लिब के अंदर हमारी मेन डॉट डार्ट है, यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाकर के यहाँ पे आएगा डार्ट फाइल, डार्ट फाइल के अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रोग्रेस अंडरस्कोर बार। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट मतलब नेमिंग कन्वेंशन है हमारी डार्ट का, वो हमारा है कि हम स्मॉल में सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्ड को सेपरेट करना है तो आप उसको अंडरस्कोर से कर सकते हो, ये पैकेज के नेम का वो होता है। ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, अगर आप 1 सेकेंड इसको गिट में ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो ये रहा, सॉरी ये रहा, ठीक है, जहाँ पे आपने अंडरस्कोर से पैकेज के नेम को अलग अलग किया है, तो ये कहीं ना कहीं फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर हमारी ये चीजें, ये जो हमारा वेब व्यू स्कैफोल्ड है ये चीज है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस बार है, राइट, तो मैं यहाँ पे आप कोई फंक्शन बना सकते हो, या फिर आप कोई क्लास भी बना सकते हो, जस्ट अप टू यू। तो अगर आप यहाँ पे कोई स्टेटलेस क्लास बना रहे हो तो उसका मैंने नाम रखा प्रोग्रेस स्क्रीन, ठीक है, और रिटर्न कंटेनर, तो हम इसकी जगह पे, 1 सेकेंड, एरर क्यों आ रही है, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो बिल्ड कंटेक्स्ट कंटेनर, ये सारी चीजें हमारी होती है मटेरियल डॉट डार्ट के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हमने वो इम्पोर्ट नहीं किया है। पहला तरीका, इस पे जाओ, यहाँ पे जाके मोर एक्शन पे जा करके, कहाँ गया, खुला क्यों नहीं भाई, मोर एक्शन पे गए, परफेक्ट, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, फटाफट से ऊपर जाकर के यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट। ओके, एंड देन वी विल टाइप पैकेज मटेरियल डॉट डार्ट, परफेक्ट, ठीक है, हमारा काम हो गया। और ये एक विजिट रिटर्न करता है, तो कंटेनर की जगह पे हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, ये वाला, ठीक है, पूरा का पूरा कोड कट किया, प्रोग्रेस बार पे जाकर के यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, राइट क्लिक करके अगर आपको उसको फॉर्मेट कर लोगे तो ये प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अब ये इसका फायदा पता क्या हुआ है, मैं बताता हूँ आपको, उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये प्रोग्रेस स्क्रीन
यहाँ पे हम लोड कर देते हैं प्रोग्रेस स्क्रीन, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोग्रेस बार वाली फाइल भी इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पे प्रोग्रेस स्क्रीन भी आपकी आ जाएगी। ओके, फिर से दोबारा इसको रन करेंगे तो हमारे ये प्रोग्रेस बार आया, फटाफट से हमारा ये लोड भी हो गया। ओके, अब बात यहाँ पे आती है कि हम इसको अलग फाइल में क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखो यार, इसका फायदा पता क्या है, आपके जितने भी विजिट हैं अगर वो आप अलग अलग फाइल्स में बनाओगे तो उतना ज्यादा बेटर है। कल अगर आपने कोई और एप्लीकेशन बनाया और उसमें आपको ये प्रोग्रेस बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेन डॉट डार्ट के अंदर जाके कोड नहीं देखो यार कहाँ पे हमने प्रोग्रेस बार यूज किया है। उससे बेटर ये है कि हम एक अलग हमने एक विजिट बना लिया, ठीक है, इस प्रोग्रेस बार स्क्रीन के अंदर, और वहां से हम लोगों ने सीधे इसको यूज कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस स्क्रीन बनाया और यहाँ पे हमारे पास में उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ओके, तो ऐसे हम अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन को। तो ये मैंने अलग से इसलिए बनाया ताकि कल अगर हमें किसी और चीज में जाके यूज करने की जरूरत पड़े हमारी लोडिंग स्क्रीन, तो मैं जस्ट इस फाइल को कॉपी करके वहां पे जाके यूज कर लूंगा। ओके ओके गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।